चार दिन एम्स्टरडैम में, बहुत यादगार दिन गुजरे। बेल्जियम से हम लोग एंटर हुए, नीदरलैंड में एम्स्टरडैम के बाहर एक छोटे से विलेज में हमारा स्टे था। जो दोस्त बीस्टर के नाम से कोई विलेज है एक्चुअली, वहाँ पर एक साहब ने फार्मर हाउस करके, एक होटल्स कह लें आप उसको, फार्म हाउस कह लें, बहुत ज़बरदस्त घर बनाए हुए हैं। तो वहीं पर मज़ा आ गया, मतलब स्टे में ही ज़बरदस्त किस्म का जो लैंडस्केप देखा हमने नीदरलैंड का, लाजवाब लैंडस्केप है। मतलब पूरे यूरोप का देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन जितनी कैटल फार्मिंग मैंने यहाँ नीदरलैंड में देखी उतनी मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मतलब और डेयरी प्रोडक्ट भी वाकई बेतहाशा इनकी है, वैरायटी है और अच्छी क्वालिटी है। दही की तो जवाब नहीं है, मतलब दही का अपना जर्मनी का दूध हमें बहुत पसंद आया था, और यहाँ का दही तुर्किश स्टाइल एक योगर्ट बनाते हैं ये, बहुत लाजवाब। वहाँ स्टे किया हमने, वहीं पर स्टे था बेसिकली थ्री नाइट्स का। फिर दूसरे दिन जो गए हम लोग, वो हमारा जाना हुआ बेसिकली इनका जो सबसे बेहतरीन ओपन म्यूज़ियम है, जैन से म्यूज़ियम कहलाता है बेसिकली, जहाँ पर इन्होंने पूरा मतलब पोर्ट्रेट किया है कि किस तरह नीदरलैंड जो है वो उसने 15 सेंचुरी में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की विंड मिल की मदद से। तो विंड मिल इनकी आपको पता है कि नीदरलैंड का बेसिकली फेमस ही है विंड मिल की है, और वहाँ से इन्होंने बेसिकली बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बनाना शुरू किए। बेहतरीन किस्म का म्यूज़ियम है वो, बहुत मज़ा आया, अच्छा पूरा दिन आप गुजार सकते हैं बेसिकली वहाँ पर, अच्छी वैरायटी है वहाँ पर गुजारा। फिर दूसरे दिन हम लोग जो है वो इनके एक और म्यूज़ियम में गए, वो म्यूज़ियम नहीं है, वहाँ पर मिनीचर्स बनाए हुए, जितने नीदरलैंड में जितनी बेस्ट प्लेसेस हैं उसके सब के उन्होंने मिनीचर्स बनाए हुए बेसिकली, मधुरदम कहलाता है वो। और बहुत ही मतलब फाइन आर्ट्स का जिसको शौक़ हो ना, इतनी डिटेल मैंने नहीं देखा। मतलब वो कोई प्लास्टिक्स के नहीं बने हुए, कंक्रीट के बने हुए पूरे कैसल्स, बिल्डिंग्स, उन्हें इतनी खूबसूरत छोटे छोटे मुजस्मे कह लें, स्टैचू कह लें, मिनीचर्स कह लें उनको, वो बनाए हुए हैं कि क्या कमाल है। यानी एयरपोर्ट से लेके पोर्ट पूरा उन्हें नीदरलैंड जो है शो किया हुआ है। तो वहाँ पूरा दिन गुजारा, बहुत मज़ा आया, मतलब देखने की जगह है वो भी, वहाँ दिन गुजारा। वहाँ से आए एक और हमने एम्स्टरडैम सिटी में गए, वहाँ पर एक म्यूज़ियम देखा हमने, आर्ट म्यूज़ियम, वहाँ की कैनल्स देखी बेसिकली। और नीदरलैंड आपको पता है कि कैनल्स के वजह से ज़्यादा मशहूर है, इन्होंने आर्टिफिशियली जो है मैन मेड कैनल्स हैं मिडल ऑफ ग्राउंड डाउन टाउन शहर में, जहाँ पे छोटी छोटी सी बोट्स जो है वो चल रही होती हैं, उसमें आप बैठे हैं और पूरा देखें नीदरलैंड एम्स्टरडैम। तो वो देखा। और एक और यूनिक बात है कि जितने लोग हैं यहाँ पर उससे ज़्यादा साइकिलें हैं, साइकिलों का शहर है बेसिकली। गाड़ी पे घूमना शहर के अंदर तो मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप मतलब बिल्कुल ऑकवर्ड लग रहा होता है, हर कोई आपको साइकिल पे दिखेगा या पैदल दिखेगा। तो देखा यहाँ पर, अच्छा लगा नीदरलैंड में, वो देखा। उसके अलावा जो है हम लोग, हमने ख़ुद भी साइकिलिंग की, वनडॉल पार्क है वहाँ पर, वनडॉन करके कोई पार्क है, अच्छा पार्क है मिड ऑफ द सिटी के अंदर, वो देखा, वहाँ पर साइकिलिंग की, अच्छा रहा वहाँ पर। और जिस चीज़ के लिए हम बेसिकली यहाँ पर आए थे वो है यहाँ पर ट्यूलिप फ्लावर्स। नीदरलैंड जो है फ्लावर्स जो है वो मतलब ख़ास काइंड ऑफ फ्लावर्स का 80% जो है शेयर्स पूरी वर्ल्ड का इसके पास है, ट्यूलिप्स जो है बहुत ज़बरदस्त, ये इन्होंने उसमें महारत हासिल की हुई है बेसिकली। लेकिन ये है कि वो मंथ जो है वो बेसिकली मार्च और अप्रैल और मई है उसको देखने का, तो बहुत ढूंढने के बाद भी वो फ्लावर्स नज़र नहीं आए, तो उसकी हसरत लेके जा रहे हैं यहाँ से। और अब फ्लाइट है आज रात के बाद कल की। तो अच्छा स्टे रहा नीदरलैंड में, लोगों से मज़ा आया यहाँ पर। मतलब यूरोप में मैं समझता हूँ कि अगर टॉप 3-4 प्लेसेस हैं उसमें एक आप नीदरलैंड को आप ज़रूर शामिल करें। मतलब बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत वैरायटी है देखने की यहाँ पर। शुक्रिया।